गुड मॉर्निंग क्लास, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। 2019 में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं हम उनको ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो श्रृंखला में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार ये है क्या। तो देखिएगा, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये सभी क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्र में सराहनीय योगदान या उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को, व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, ये इस पुरस्कार को बाद में शामिल किया गया है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें लर्न क्या करना है कि नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, साथ में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भारत रत्न, वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था, जबकि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार। दिया क्यों जाता है, अगली जो बात आई, दिया क्यों जाता है, किस वजह से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हुआ क्या, स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। और डायनामाइट के आविष्कार के करने वाले जो व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, तो जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले ही 1896 में इन्होंने कहा कि जो भी मेरी राशि है उस राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने दिया, स्वीडिश बैंक में इन्होंने जमा कराया और कहा कि इस राशि का जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज से इन विभिन्न क्षेत्रों में जो कि हमने पढ़े थे उपरोक्त क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको उस ब्याज के रूप में, उस धनराशि के रूप में उसको उत्साहन या प्रोत्साहित राशि दी जाए ताकि वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ पाए। तो स्वीडिश वैज्ञानिक ने ही जो है उनके जो पैसा था उन्हीं पैसों को जो है ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखना, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1896 में मरने से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दिया और कहा कि इसका जो ब्याज प्राप्त हो वो इस पुरस्कार राशि के स्वरूप भेंट दिया जाना चाहिए। क्या राशि है, जैसे 6.25 करोड़ रुपए तो है अभी वर्तमान में, 6.25 करोड़ रुपए पहले थी, अभी वर्तमान में 7.25 करोड़ रुपए ये राशि जो है नोबेल पुरस्कार विजेता को दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि अभी 2019 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए गए और अब हमें इन क्षेत्रों में पुरस्कार को पढ़ना है, लर्न करना है और देखना है। सबसे पहले आप अच्छे से इस इमेज को देख लीजिएगा। ये इमेज दो लड़कियों की है, दो लड़कियां हैं और इन्होंने, जो लड़कियां हैं इन लड़कियों के माध्यम से हम याद करेंगे कि किस किस प्रकार ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और किनको दिया गया है, अवी अहमद अली, इथोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं ये रह चुके हैं और अली अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसे हमें याद कैसे करना है, देखिएगा, अली अवी अहमद अली ये हमें लर्न करना है। और अली जो है ना, अली से अगला जो पुरस्कार है, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पुरस्कार पढ़ेंगे, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिए गए थे उसके अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है शांति के क्षेत्र में, भाई हमने क्षेत्र पढ़े थे ना, शांति का पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2019 में दिया गया अवी अहमद अली को, अवी अहमद अली को, इथोपिया के प्रधानमंत्री। अब अवी अहमद अली हमें याद कैसे करना है, तो अली से आपको अली से पकड़ लेना है, अली अली मतलब सखी, अली अली मतलब सखी, मेरी अली या मेरी सखी जो है वो बहुत ही शांत रहती है, इसमें हमको पकड़ना है अली, अली मतलब सखी, ये जो सखी है ये बहुत ही शांत रहती है। तो शांत रहती है कौन रहती है, सखी, सखी को हमने बोल दिया है अली, मेरी गाना है ना आली रे आली कैसी ये सहेली कैसी ये पहेली, तो अली मतलब सहेली, अली जो है वो कैसे रहती है, शांत रहती है। तो इसलिए अली, जब भी अहमद अली वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना इनको जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इरिट्रिया जो कि एक शत्रु था इथोपिया का और उसमें इथोपिया के प्रधानमंत्री ने
इरिट्रिया से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए और इसी वजह से इसी क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है अबी अहमद अली को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। समझ में आपको आ गया? तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। चलते हैं आगे। आपने ड्राइंग देख ही ली है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। इस ड्राइंग के माध्यम से आपको याद करा जा रहा है, ये दोनों सहेलियां हैं, अली अली है, और ये दोनों सहेलियां जो है बिल्कुल शांति से रहती है, तो ये हो जाएगा शांति का पुरस्कार। अगला जो पुरस्कार आता है वो है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? पीटर हैंटके, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इनको ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने नयेपन में कुछ लेख लिखे हैं और उसी लेख में नयापन लाने के लिए इन्हें जो है पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? ये है पीटर हैंटके, ऑस्ट्रेलिया। तो किस क्षेत्र में मिला है? ये मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ये हैंटके नहीं है, ये हैंडले, लिख लेना आप इसको। हाँ, हैंडके, ये हैंडके बेटा, इसको मैंने हैंड के लिख दिया, आप इसे हैंड के लिखिएगा, हैंड के है ये। हाँ, तो इसे हमें याद कैसे करना है? बहुत ही सिंपल इसका ट्रिक है। देखिए, साहित्य हम किसके द्वारा लिखते हैं? अपने हैंड के द्वारा। देखो, ये एक पुस्तक है और इसमें अपन ने अपने हैंड के द्वारा क्या लिखा? साहित्य लिखा। तो अपने हैंड के द्वारा इंक में डुबोकर जो है हमने क्या लिखा? साहित्य। तो बहुत सिंपल हो गया, हैंड के यानी हैंड के द्वारा। तो ये हमारा पुरस्कार हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। देखो, इससे पहले पढ़ा था शांति, अली वाला, अहमद अली। तो अली जो है वो तो शांति की बात हो जाएगी, और हैंड के यानी जो है अपने हैंड के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा हमने साहित्य लिखा। इसके बाद में आता है भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स। इसमें तीन व्यक्तियों को पुरस्कार मिल चुका है। एक का नाम है जेम्स पीबल्स, ये कैनेडियन मूल के अमेरिकन है। फिर डिडिएर क्वेलोज, ये स्विट्जरलैंड के हैं, और मिशेल मेयर, ये दोनों के दोनों, मिशेल मेयर और डिडिएर क्वेलोज, दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं स्वीडन के हैं। इनको जो है कि क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में ये जो है पुरस्कार मिला। क्यों मिला? ब्रह्मांड का विकास और कॉस्मोस के सिद्धांत पर जो है, इस कॉस्मोस के सिद्धांत के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब हमें इसको याद कैसे करना है? इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। देखिएगा, अब भौतिकी से आपको ट्रिक ले लेना है, भूत। क्या ले लेना है? भूत। तो देखिए, ये एक भूत है, और ये भूत जो है ना, आपको पता है पीपल के पेड़ के नीचे भूत बैठते हैं, सुना है ना, पीपल के पेड़ के नीचे भूत बैठते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे कौन बैठा? भूत। तो भूत से हो जाएगा। जब भी भौतिकी आएगा तो आप क्या समझ जाएंगे? भाई, मैम ने बताया था पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था भूत, तो एक तो जाएगा जेम्स पीबल्स। अच्छा, इस भूत को देखकर जो है दीदी डर गई, दीदी डर। देखो, वर्ड आ रहा है ना, डीडीआर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करोगे तो दीदी डर जैसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आएगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे एक भूत बैठा था और उसको देखकर मेरी दीदी डर गई, मेरी दीदी डर गई। दीदी का नाम क्या था? मिशेल। या दीदी कैसी थी? मिसाइल की जैसी थी, तो भी डर गई। तो मिशेल मेयर, डीडी डर, डीडीआर क्वेलोल, और एक हो जाएगा जेम्स पीबल्स। कितना अच्छे से हमने इसको याद कर लिया। एक बार पुनः उन तीनों को जो आपने पढ़ा था अच्छे से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले शांति, तो अली, यानी दोनों अली, दोनों सहेलियां कैसे रहती है? बिल्कुल शांति से रहती है। फिर हमने पढ़ा था साहित्य, तो साहित्य तो भाई हैंड से ही लिखते हैं ना, तो हैंड से क्या हो जाएगा? हैंड से हो जाएगा हैंड के। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था भौतिकी, तो भौतिकी से भूतनी। अच्छा, भूतनी या भूत कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ के नीचे उस भूत को देखकर मेरी जो दीदी है वो डर गई। दीदी मेरी क्या हो गई? डर गई। और दीदी का नाम क्या था? मिशेल। दीदी का नाम क्या था? मिशेल। चलिए, या मिसाइल जैसी थी। अब इसके बाद में आता है चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन को ये पुरस्कार मिला। तो देखिएगा, विलियम जी केलिन, ग्रेग सेमेंजा और पीटर रेडक्लिफ, ये कहाँ के थे? ये हैं ब्रिटेन के। तो इन सभी को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। क्यों मिला है? जो है
कोशिका के ऑक्सीजन, केशिका के ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता को लेकर इन्हें ये जो है पुरस्कार मिला है। तो याद कैसे करना है, देखो इस पे वैसे चिकित्सा वर्ड आ रहा है। अब चिकित्सा यानी जब भी हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हमको जाना होता है क्लिनिक पे। हमने डॉक्टर को फोन किया, सर कुछ सर्दी जुकाम हो रही है, डॉक्टर क्या बोलता है, क्लिनिक पर आओ, मैं घर पे नहीं देखता हूँ, आपको क्लिनिक पर आना पड़ेगा। तो चिकित्सा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्लिनिक पे। तो क्लिनिक या हॉस्पिटल, तो क्लिनिक से आपका हो जाएगा कैलिन, यानी विलियम जी कैलिन। अब फिर पीटर रेडक्लिफ, अब आपने क्लिनिक कैसे पहचाना, आपने पहचाना कि क्लिनिक के ऊपर रेड कलर का क्लिनिक के ऊपर रेड कलर का प्लस का साइन था, भाई दूर से दिख गया, हाँ भाई यही शायद हॉस्पिटल है, यहीं पर ही डॉक्टर का कुछ एक छोटा मोटा क्लिनिक होगा। तो ये जो है हमने इस डॉक्टर का क्लिनिक कैसे पहचाना, क्लिनिक के ऊपर रेड कलर का क्रॉस देखकर। अब डॉक्टर ने हमको समझाया कि आपको जो है ये ठंडी चीज नहीं खानी है, फलाना नहीं खाना है, ऐसे रहना है वैसे रहना है, तो हमें समझाया, डॉक्टर ने समझाया, तो सेमेंजा, समझाया से क्या हो जाएगा, सेमेंजा। तो तीन चीज हो गई। जब भी कैलिन वर्ड आएगा आप कैसे याद करेंगे, केलिन मतलब क्लिनिक पर गए, क्यों गए, चिकित्सा के क्षेत्र में। सेमेंजा हम समझ गए, और रेडक्लिफ ये ब्रिटेन के थे। तो इस प्रकार हमने चिकित्सा क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिक के नाम पढ़े। देखो पीपल के पेड़ के नीचे भूतनी थी, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, भौतिकी वाला क्षेत्र, कितना हमने बिल्कुल अच्छे से ट्रिक से विद इमेज से मैंने आपको इसको याद करा दिया। अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो दो और बचे हैं। देखिए अब है रसायन, इसमें है जॉन बी गुड इनफ अमेरिका के हैं, के एम स्टेनली विटिंगम ब्रिटेन के हैं, और अकीरा योशिनो ये जापान की है। देखो इसको याद कैसे करना है, रसायन, रसायन का मतलब होता है केमिकल। अब अगर आप किसी भी केमिकल, यानी अगर आप केमिस्ट्री लैब में कोई भी केमिकल का अगर आप कुछ करते हो, कुछ भी जो है आप फाउंडेशन करते हो, या जो भी कुछ अगर आप केमिकल से संदर्भ में अगर आप कुछ नयापन करते हो, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेनी है नली, क्या ले लेनी है हमें ले लेनी है एक नली, हमने एक ले ली है नली। तो इस नली में क्या भरा हुआ है, तो आपको बता देना है कि हमने जो है इस नली में भर दिया है केमिकल, हमने इस नली में भर दिया है केमिकल। तो स्टेनली से नली हमने क्यों ली, क्योंकि हमको रसायन यानी केमिकल का कुछ जो है केमिकल से हमें कुछ जो है कुछ करना था, या कुछ नया हमें इन्वेंशन करना था, जो भी है, तो केमिकल हमने ले लिया नली में। फिर बात आई अकीरा योशिरो, अकीरा योशिनो। अब अकीरा से क्या ये कैसे याद करना है, कि जब आप केमिकल यानी केमिकल का जब भी आप कोई इन्वेंशन कर रहे थे, केमिकल पर कुछ सर्च कर रहे थे, तो आप कैसे अकेले थे, कोई और भी आपके साथ में था, तो हमने कहा हम कि उस समय बिल्कुल अकेले थे। तो केमिकल की हमने ले ली नली, और नली जब हमने ली तो अब हम कैसे थे, नली जब हमने ली और जब भी हम कोई इसका कुछ कार्य कर रहे थे तो हम कैसे थे, अकेले। तो अकेले से हो जाएगा अकीरा योशिनो, देखो इसका नाम भी जापानी लग रहा है। फिर है जॉन बी गुडइनफ, जॉन बी गुडइनफ। अब गुडइनफ से कैसे याद करना है, कि जब हमने कोई केमिकल की लैब में बहुत अच्छा सा कुछ प्रयास किया, तो हमारे टीचर ने कहा वेरी गुड, बस अब इनफ हो गया, अब जाओ आप, वेरी गुड। तो तीन चीज मिली, हम रसायन यानी केमिकल, हमने केमिकल के लिए हमने ले लिया नली, और उस नली जो है उसमें जब हमने कार्य किया तो हमको गुड, अच्छी बात बोली गई। और अकीरा से क्या था, जब हम ये कार्य कर रहे थे तो हम कैसे थे, अकेले। तो अकीरा योशिनो जापान के हैं, के एम स्टेनली विटिंगम ब्रिटेन के हैं, और जॉन बी गुडइनफ जो है वो कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो अब अगर आपसे पूछे कि रसायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो ये लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में जो है उस कार्य के लिए इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब आता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मैंने कहा था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार बाद में मिलने लगा था। अच्छा इसमें अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को पुरस्कार मिला है। अच्छा इसे याद कैसे करना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन व्यक्ति हैं, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो हमें याद करना है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, अभी अभी अस्थिर नहीं रह पाई है, डूब गई है,
अभी कोरोना की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी अभी डूब गई है, अभी वो स्थिर नहीं है, डूबत में चल रही है। तो एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी। अच्छा, तो आपको ये बात किसने कही? तो ये बच्चा रोते रोते बोल रहा है, ये बात मुझे मेरे अंकल ने कही। तो अंकल से हमारा हो जाएगा माइकल क्रेमर। माइकल क्रेमर, इसमें क्लिनिक वर्ड नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, माइकल क्रेमर। दोबारा सुनो, अभी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई है? डूब गई है, अभी वो स्थिर नहीं है, धीरे धीरे बिल्कुल वो ग्रो अप हो जाएगी। अच्छा, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अंकल ने, मेरे अंकल ने। तो मेरे अंकल से क्या हो जाएगा? माइकल। और साथ में कब कही थी? अभी अभी ये बात कही थी अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। अब बात आती है क्यों दिया गया? तो गरीबी के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने कुछ प्रयास किए थे, और उन्हीं प्रयासों की वजह से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। अब एक बार हमने जो पढ़ा उसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शांति, तो अली, अली जो है वो शांति में है। फिर पढ़ा था साहित्य, साहित्य हम हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा लिखते हैं। उसके बाद में आया था भौतिकी, भूतनी बैठी थी पीपल के पेड़ के नीचे, साथ में दीदी को डर लगा, DDR, और दीदी कैसी थी? मिसाइल जैसी थी। ठीक है, चिकित्सा। अब चिकित्सा मतलब क्लिनिक, हम क्लिनिक पर गए, कैसे पहचाना? क्लिनिक पर रेड कलर का प्लस बना हुआ था, रेड क्लिफ। अच्छा, डॉक्टर ने फिर हमें समझा दिया, तो सेमेंजा। फिर था रसायन, तो रसायन का मतलब केमिकल, केमिकल के लिए हमने एक नली ली। हमको जब हमने नली से जो भी हम कुछ कार्य कर रहे थे, तो हम उस समय अकेले थे, तो अकेले से हो जाएगा अकीरा। और फिर हमारे सर ने या टीचर ने कहा गुड, अब इनफ करो भाई, अब बहुत हो गया, अब घर जाइए, तो गुड इनफ, ये हो जाएगा अमेरिका। फिर था अर्थशास्त्र, अभी अभी हमारी इकोनॉमिक स्थिर नहीं है, डूब गई है, ये किसने कहा? मेरे अंकल ने कहा, तो माई अंकल क्रेमर। चलते हैं आगे, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं। देखिए, 1974 की बात है, 1974 की बात है, नियम बना कि मरने के बाद अब किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये बात जब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था भारत रत्न के बारे में, तब मैंने ये बात कही थी, आपको याद आ गई होगी। तो अब जो है भाई, भारत रत्न तो मरने के बाद मिल जाता है, लेकिन अब 1974 के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि मरने के बाद अब किसी को भी जो है ये जो है पुरस्कार नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा ये जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले में पहले स्थान पर अमेरिका है, और अगर आपसे कोई दूसरे स्थान की बात करे तो फिर जापान है, और तीसरे नंबर पर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों सम्मिलित रूप से हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष की थी, उन्हें युवा विजेता के रूप में ये पुरस्कार मिला। सबसे युवा जो बच्ची है मलाला यूसुफजई, उनको नोबेल पुरस्कार 2014 में, जो है पाकिस्तानी मूल की है, इन्हें पुरस्कार मिला। लियोनिद हरक्विज ने 90 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार जीता, जो कि सबसे उम्र के व्यक्ति बने हैं। अल्फ्रेड नोबेल की राशि स्वीडिश बैंक में जमा हो गई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, और प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। बहुत ही सिंपल है लर्न करना। देखो, उसके वर्ड में आ रहा है नोबेल, वर्ड में क्या आ रहा है? नोवेल। अब नोवेल में आपको नौ वर्ड दिख रहा है ना, तो 9 से आप 1900 बना सकते हो। और वैसे भी अभी भारतीय मूल के 9 व्यक्तियों को ही ये जो है पुरस्कार मिला है, जो भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, 29 जून 1900 में, यानी 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार भी 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जिया हेनरी डुनोंट, बहुत ही अच्छे से ये व्यक्ति हैं, हल्की हल्की शेविंग है इनकी, मैंने इसका इनका इमेज नहीं लिया है, तो आप इनका इमेज को देख लीजिएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक जो हेनरी डुनोंट तथा फ्रेंच पीस सोसाइटी जो है इनके अध्यक्ष को जो है ये नोबेल पुरस्कार का, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, और इसी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में पहली बार ये घोषणा हुई,
लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से ही ये दिया जाने लगा। तो इसके में भी 6-9 आ रहा है, फिर कोई 9-9 वाली बात आ गई होगी भाई, इससे पहले भारत रत्न पढ़ा था ना 9-9 वाली बात, तो इसे फिर 9-9 वाली बात आ गई, 6-9। तो अब जो है ना 1901 से तो रेगुलर जो विभिन्न क्षेत्र हमने पढ़े थे, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य, उनमें दिया जा रहा था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। राशि पहले 6.25 करोड़ थी, वर्तमान में 6.75 करोड़ की राशि दी जाती है। अब नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कुछ भारतीय हैं, इनका फटाफट से हम बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से इनको भी हम लर्न करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 1913 में पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक के लिए। तो ये जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एक बार बस इसको देखना है, फिर याद कराने का काम मेरा है। आने वाले 2-4 स्लाइड के बाद में एक ट्रिक है बहुत ही अच्छी सी, आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएगी। बात आती है हरगोविंद खुराना। इसके बाद में हरगोविंद खुराना जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन सर जो है इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, यानी रमन प्रभाव, जिसे आपने सुना होगा प्रकाश के बारे में, रमन प्रभाव, तो उसमें इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की थी, 1929 में ये भारत आई थी कुष्ठ रोगियों के लिए, और जो नशीले पदार्थों का लत वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, उनको इस चीज से दूर करने के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई थी। 1979 में शांति के क्षेत्र में इन्हें, मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। बहुत ही शांत लेडी हैं, बहुत ही शांत, इनका चेहरा देखते ही शांति से आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्होंने कार्य किया था, और जब इन्हें ये पुरस्कार मिला था उसी समय आपको पता होगा मलाला यूसुफजई, जो मैंने पहले पढ़ाया था, पाकिस्तानी मूल की हैं, और उन्हें 14 जो है बहुत ही कम उम्र में, यानी 2014 में ये पुरस्कार मिला, उस समय उनकी एज थी 17 वर्ष। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के जाने माने व्यक्ति हैं, 1998 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार इन्हें दिया गया। फिर आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, ब्लैक होल पर इन्होंने शोध कार्य किया था। वेंकट रमन रामाकृष्णन इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, अब एंड में है बी एस नायपाल, इन्हें भी 2001 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। देखो हमने जब ये पढ़ लिए तो पढ़ते समय तो हमको लगा ठीक है हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अब बिल्कुल बराबर हो गया, इसलिए इसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है। पहले मैं आपको उसको ट्रिक समझा देती हूँ, उसके बाद में आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे तो ये भी आपके लिए हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है भाई, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 9 तो है भारतीय मूल के, ज़्यादा तो है नहीं भाई, भारत रत्न तो बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है, लेकिन ये तो 9 ही है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसे अभी पढ़ना, फटाफट से ट्रिक के माध्यम से पढ़ते, जल्दी से ट्रिक देखिएगा। देखिए, एक अभी आप ये लिखा हुआ छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए, ये एक ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत, तो बूढ़ी औरत यानी बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ मार्केट गई और मार्केट से एक तो लेकर आ गई वो हरी गोभी। बूढ़ी माँ मार्केट गई और मार्केट से क्या लेकर आ गई? हरी गोभी। गोभी के साथ उसने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट भी ले चलते हैं, भाई गोभी की सब्जी बन जाएगी, अब बच्चे फ्रूट भी खाएंगे। तो माँ ने बच्चों के लिए फ्रूट लिया, बच्चों के लिए उन्होंने 3 फ्रूट खरीदे। एक तो लिया उन्होंने एप्पल यानी सेब, एक लिया उन्होंने जो है मतीरा, वाटरमेलन मतीरा, और एक लिया उन्होंने बनाना यानी केला। 3 फ्रूट उन्होंने लिए, सेब, मतीरा और केला। आप इमेज देखोगे तो आपको हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इसको लेने के बाद में उन्होंने नए चाकू से इनको काट कर बच्चों को खिलाया, नए चाकू से काट कर बच्चों को खिलाया। अच्छा, पहले इतनी बात समझ देते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। देखो, एक बूढ़ी माँ थी, माँ ने हरी गोभी ली, साथ में सेब लिया, सेब के साथ में मतीरा लिया, मतीरे के साथ में क्या लिया? बनाना लिया। 3 फ्रूट हो गए, एप्पल, मतीरा, बनाना, और एक सबसे पहले पहले क्या था? पत्ता गोभी यानी हरी गोभी। अच्छा, और उसको नए चाकू से काट दिया।
सारे के सारे आपको नोबेल पुरस्कार जिन भारतीयों को मिले थे वो ऑलमोस्ट लर्न हो गए हैं, कैसे देखिएगा। ये बूढ़ी माँ थी तो माँ के ट्रिक से बन जाएगा मदर टेरेसा। बात आती है हरी गोभी खरीदी तो हर गोविंद खुराना। उसके बाद में सेव खरीदा सीवी 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 रमन। मतीरा खरीदा अमर्त्य सेन। खरीदा केला केला से हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। नए चाकू से काटा तो नायपाल, हमने नायपाल पढ़ा था, और काटने से हो जाएगा वेंकट रमन। तो 1 2 3 4 5 6 7 सात तो हमारे हो गए और टोटल कितने बताए थे मैंने आपको 9। अब एंड में आपको याद करना है बच्चों को खाने से पहले माँ ने ये प्रसाद भगवान राम को लगाया या जिस बच्चे को उन्होंने ये जो एप्पल काट के खिलाया था उस बच्चे का नाम क्या था, राम। तो राम से हो जाएगा रामा कृष्णन। तो ये हमारे 8 हो गए। और सबसे पहले जिनको दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम हम जानते हैं, उसको हमें ट्रिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल ट्रिक हो गई ना, मदर टेरेसा, माँ लेकर आई, क्या लाई, एक तो माँ लेकर आई हरी गोभी हर गोविंद खुराना, सेव लाई सीवी रमन, मतीरा लाई अमर्त्य सेन, उसके बाद में केला लेकर आई, केले से क्या बन जाएगा कैलाश सत्यवादी, और नए चाकू से काटा तो नायपल, और चाकू से क्या हो जाएगा काटा, काटे से वेंकट रमन, और काटने के बाद राम नाम के बच्चे को खिलाया तो राम से रामाकृष्णन, और पहला वाला हमें याद ही है। अब हमने जो पढ़ा था अब देखो आपको फटाफट से याद आ जाएगा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ लिया साहित्य के क्षेत्र में, भाई टैगोर स्कूल है, अब क्षेत्र याद कर लो, टैगोर स्कूल है और स्कूल में हम साहित्य यानी पढ़ाई करते हैं तो साहित्य का क्षेत्र हो जाएगा। फिर हरी गोभी से हमने याद किया था चिकित्सा के क्षेत्र में, अब इसे याद कैसे करें, देखिए कहते हैं कि आप गोभी खाओगे ना तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, विटामिन सी हरी गोभी में पाया जाता है चिकित्सक ने बताया, तो हरी गोभी से चिकित्सा हो जाएगा। सीवी रमन, सेव जो है भौतिकी, तो आपको याद करना है कि भूतनी जो है ना वो सेव खाती है, जो भूत है ना उसे क्या पसंद था एप्पल, तो भौतिकी के क्षेत्र में। फिर पढ़ा था मदर टेरेसा, इसको हमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, शांत लेडी थी तो शांत से शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यवर्ती, तो कैलाश सत्यवर्ती जो है बचपन बचाओ, तो देखो बच्चे जो है ना हमेशा सत्य बोलते हैं, इस पे सत्यार्थी आ रहा है, सत्यवर्ती, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सत्यार्थी, इसमें सत्य वर्ड आ रहा है, सो सत्य कौन बोलते हैं, हमेशा बच्चे बोलते हैं, तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, यानी शांति, बच्चे जो है बोलते हैं सत्य बोलते हैं शांत रहते हैं। अमर्त्य सेन, इनको सभी लोग जानते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चांद पर जाएंगे शोध करेंगे तो वही फिजिक्स हो जाएगा। वेंकट रमन रामाकृष्णन, तो रहस्य रामाकृष्णन और रहस्य रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। और नायपाल, हमने नए नए या सेंट पॉल, जैसे वहां पढ़ा था टैगोर स्कूल, यहाँ पर आ रहा है पॉल, तो सेंट पॉल स्कूल में हम साहित्य यानी कुछ पढ़ाई करते हैं तो इन्हें भी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार हमने पहले वाले, इससे पहला जो दिन था उस दिन हमने पढ़ा था भारत रत्न, आज जो है हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिए नोबेल पुरस्कार, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेने हैं। इस वीडियो को आप दो बार देखेंगे परमानेंट, कोई व्यक्ति भी आपको इसको अपने दिमाग से कोई नहीं निकाल पाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, कभी पूछ लो आप फटाफट बता दोगे, लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन मिलते हैं, अब ऑप्शन के थ्रू आप जल्दी से पहचान जाओगे, हाँ मैम ने बताया था ये भूतनियाँ बैठी हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, फलाना फलाना, सारी जो स्टोरी है वो याद हो जाएगी, क्योंकि आपने जो ये वीडियो है ना केवल इसको पढ़ा है बल्कि आपने चित्र के माध्यम से इसको याद भी किया है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और पुरस्कारों के साथ, चिंता मत कीजिए सारे पुरस्कार इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको करवा दूंगी, बस रोज सुबह उठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे दरख्वास्त है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।